मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी बजे सुबह के 3:30 और हम हैं बनारस में। यहाँ से हम दिल्ली जाने वाले हैं। ये हमारे ट्रिप का लास्ट वीडियो होने वाला है और सुबह सुबह निकलने का रीज़न वही है कि ताकि ट्रैफिक से बचा सके। बाकी की जर्नी हमारी मोस्टली एक्सप्रेसवे पे होनी है, तो एक बार बनारस से निकल जाए तो इनिशियल ट्रैफिक बच जाएगा और टाइम पर भी पहुँच सकते हैं। तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जो अपना ट्रिप है दिल्ली से पटना, पटना से बनारस, उसमें अपनी गाड़ी 1300 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख सकते हैं। और जो माइलेज है वो 20.5 का निकल के आया है। एक्चुअल में इसमें हमें बहुत सारा ट्रैफिक कवर करना पड़ा था और पटना से बनारस आते समय काफ़ी लोकल रोड्स पर चले थे, तो माइलेज कम हो गया। बट ये भी देख लेते हैं आगे कितना निकलता है। और भाई हमने अपनी जर्नी कर दिया स्टार्ट और अभी सुबह सुबह देखते हो आप रोड खाली हैं बिल्कुल, तो जल्दी से जल्दी हम पटना ये बनारस को क्रॉस कर लेंगे। तो बनारस एक बार निकल जाए उसके बाद तो अपने को एक्सप्रेसवे पे ही चलना है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मतलब ट्रैफिक नहीं होगा। और भाई आप देखोगे ना बनारस को इतने अच्छे से सजाया हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों साइड लाइट, मतलब डेकोरेशन काफ़ी अच्छी कर रखी है भाई, पूरा ना मतलब आपको फील आ जाएगी। अब देखिए रात को दोनों साइड रोड कितने अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे काम तो काफ़ी किया गया है। अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे और अभी सुबह के 6 बजे हैं, आप देख सकते हैं कितनी रोशनी हो चुकी है। और अभी ना अभी आपको फिर से दिखाता हूँ रास्ते में जौनपुर का बोर्ड आया है, वही जौनपुर है मिर्ज़ापुर वाला। चलो हम लोग आगे फुल करा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। एक बार टैंक फुल हो जाए फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, रुकना नहीं पड़ेगा बार बार। अभी हम लोग आजमगढ़ पहुंच गए हैं। यहाँ से सीधा रास्ता ये अयोध्या के लिए जाता है, पर अपने को अयोध्या जाना ही नहीं है, अपने को यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस वे लेना है जो थोड़ा सा ही आगे से है। एक बार एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे फिर नॉन स्टॉप चलेंगे। ये हम अब लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं, आगे टोल प्लाजा है, इसे क्रॉस करते ही गाड़ी नॉन स्टॉप चल पाएगी ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं और यहाँ पर 618 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, इसमें 8 घंटे लगने वाले हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे अब अपनी सारी जर्नी एक्सप्रेसवे पे होने वाली है। अभी हम पूर्वांचल पे हैं, आगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, उससे आगे यमुना एक्सप्रेसवे। लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग चाय पीने वाले हैं, तो भैया को बोल दिया चाय के लिए और फिर यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि 8 के आसपास बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट किया नहीं है तो चाय तो पी लेते हैं। भाई गाड़ी काफ़ी देख सकते हो आप काफ़ी गंदी हो रखी है, वैसे रोड ट्रिप पे गाड़ी गंदी हो ही जाती है, घर जाके वॉश करा लेंगे। अभी हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आ चुके हैं और भाई ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इस पर हमें 300 किलोमीटर के आसपास चलना है, बट टाइम का कुछ नहीं पता चलना क्योंकि ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इस पर ड्राइव करने में भी पूरा मज़ा आएगा, जो लोग ड्राइविंग पसंद करते हैं वो लोग इस एक्सप्रेस वे पर कभी आए और चलाए भाई पूरा। लोग रुके यहाँ पे थोड़ा कुछ खा लेते हैं, ये रेस्ट स्टॉप आया था एक्सप्रेस वे पे क्योंकि इसके बाद कोई स्टॉप आएगा नहीं, देख लेते हैं क्या खाते हैं यहाँ से, कुछ ले लेते हैं यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ नारियल पानी भी ले लें, थोड़ा अच्छा फील होगा, एनर्जी आएगी। लिया मैंने वाला मिल्क और एक नारियल पानी, ये पी लेते हैं। नारियल पानी काफ़ी अच्छा होता है भाई, डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। उसके बाद अब मन कर रहा है थोड़ा कुल्फी वगैरह आइसक्रीम वगैरह कुछ खाई जाए, तो कुल्फी ऑर्डर कर लेते हैं वो खाते हैं। हमने ये 2 कुल्फी ली हैं भाई और इसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बाहर वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है आपको बता दूँ, अब देखोगे ना इधर उधर भाई धूप है बहुत ज़्यादा और गाड़ी पूरी हीटअप हो चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, 11-12 बज चुके हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, अभी से ही ना हालत ख़राब हो रही है। पर चलो अब चलते हैं जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक बार रुकने के बाद ना गाड़ी जब गर्म हो जाती है बहुत, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती बिल्कुल भी गाड़ी थोड़ी देर तक ना, जब तक वो हीट रहेगी बाद उसके बाद करनी पड़ेगी। अपन ने 100 के आसपास स्पीड कंट्रोल सेट कर दिया है क्योंकि एक्सल में कोई ब्रेक लगनी नहीं है और 100 के आसपास स्पीड मेंटेन की है, इसका माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों ही अच्छी आएगी। बड़ी देर में हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे
और मोस्टली ये जो ट्रिप है ना हमारा दिल्ली से पटना, पटना से बनारस और बनारस से वापस दिल्ली, तो एक्सप्रेस वे पर हमने काफ़ी जर्नी की है। और आपको बता दूँ ये रोड नो डाउट बहुत अच्छे हैं, आप काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं और टाइम काफ़ी कम लगता है, बट जो टोल है ना वो बहुत ज़्यादा है। मेरा जो पूरा एक्सपेंस है ना टोल का वो आया है 3200 रुपये, लाइक अप डाउन जर्नी का 3200 रुपये फॉर अ कार, लाइक टू मच आई थिंक। अगर कोई भाई CNG यूज़ करेगा ना, CNG व्हीकल यूज़ करेगा, तो उसकी 3200 रुपये की टोटल CNG गैस फूकेगी, उतना ही टोल का खर्चा। तो लाइक रोड बहुत अच्छे हैं बट टोल थोड़ा कम किया जा सकता है, ये थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करता हूँ। अभी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं भाई, और आप देख सकते हो 2122 किलोमीटर का ये पूरा ट्रिप था, जिसमें इसका माइलेज 22.7 आया, जिसमें मोस्टली हमने इसने स्पोर्ट्स मोड पर ड्राइव किया, इसे बीच में ट्रैफिक में और ख़राब रोड पे। अगर आपने सारी वीडियोस देखें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमारा ट्रैवल ख़राब वीडियो रोड पे भी रहा है। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नॉन स्टॉप आप इसे बिना थके, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी, काफ़ी टाइम तक ड्राइव कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे किसी और वीडियो मिलते हैं।